दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट और रोहित की आंधी में उड़ा पूरा अंग्रेजी खेमा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल का टिकट कटाने के लिए भारतीय टीम की तरफ से दोनों बल्लेबाजों ने भरपूर प्रयास किया। इस बीच केएल राहुल ने अपना विकेट जरूर दिया, लेकिन विराट और रोहित ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिसके सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तो वहीं रोहित और विराट ने मिलकर पावर प्ले में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसको देख पूरा क्रिकेट जगत उनके सामने नतमस्तक हो उठा है। आखिरकार कैसे विराट और रोहित ने अपने तूफान से विरोधी खेमे को उंगली पर नचाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भारतीय टीम बस एक कदम दूर है, जिसके लिए भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए एडिलेड के मैदान पर उतरी है, जहां पर भारतीय टीम अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हार पाई है। ऐसे में इसी विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरी, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले में बड़ा लक्ष्य अर्जित करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल की सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर आई। तो दूसरी तरफ गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक आते हैं। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने बेन स्टोक की गेंद को बड़ी ही आसानी से गैप में निकालकर चौके के लिए तब्दील कर दिया और इसी के साथ अपना और अपनी टीम का खाता चौके के साथ खोला। हालांकि इसके बाद बेन स्टोक ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शानदार वापसी की और ओवर में चौका खाने के बाद मात्र 2 रन ही दिए। तो वहीं पावर प्ले में दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा शानदार शुरुआत देखने को मिली, जहां पर पहले ओवर में स्कोर 6 रन रहा। तो वहीं दूसरी तरफ से दूसरा ओवर कराने के लिए गेंदबाज क्रिस वोक्स आते हैं और यहाँ पर कप्तान ने विकेट निकालने की उम्मीद की थी और कप्तान के भरोसे को क्रिस वोक्स ने जीत लिया, जहाँ पर पहली 3 गेंदों पर उन्होंने रोहित शर्मा को काफी ज्यादा परेशान किया। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक केएल राहुल के पास आया तो केएल राहुल को बाउंसर गेंद पर आउट कर दिया। दरअसल क्रिस वोक्स ने ओवर की चौथी गेंद पर राहुल को उछाल के साथ गेंद डाली थी, जिसके कारण केएल राहुल उस गेंद को पढ़ने में असमर्थ रहे और बल्ले से हल्का सा किनारा लगते हुए गेंद विकेटकीपर बटलर के पास चली गई और इसी के साथ वो कैच आउट हो गए। इस बीच केएल राहुल ने 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, तो वहीं केएल राहुल इस वर्ल्ड कप में सभी 8 टीमों के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए। लेकिन अब बल्लेबाज विराट कोहली पूरी तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करने के लिए तैयार बैठे थे, जहां पर ओवर में मात्र 4 रन आए। लेकिन इसके अलावा अगले ओवर कराने के लिए कप्तान बटलर ने विराट कोहली को परेशान करने के लिए सैम करन को गेंद दे दी, जहां पर उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को काफी ज्यादा परेशान किया और उस ओवर में मात्र 1 रन ही दिए। तो वहीं पहले 3 ओवर में मात्र 11 रन आए थे। ऐसे में दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर आ गया था, जहाँ चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वोक्स को विराट कोहली ने पहली गेंद पर 73 मीटर का खूबसूरत कवर ड्राइव के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और विरोधी टीम को दिखा दिया कि आज वो खतरनाक प्रदर्शन करने के लिए ही मैदान पर आए हैं। लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करते हुए छक्का खाने के बाद मात्र 4 रन दिए और उस ओवर में केवल 10 रन ही आए, जिसके बाद अगला ओवर कराने के लिए गेंदबाज सैम करन आते हैं, जहां पर इस ओवर में रोहित शर्मा ने चौके के साथ अपनी पहली बाउंड्री लगाई और फॉर्म में वापसी की। इतना ही नहीं, इन्होंने अगली गेंद पर एक बार फिर से चौका लगा दिया और गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इसके बाद गेंदबाज सैम करन ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन हेनरी ब्रुक्स ने रोहित शर्मा का मुश्किल कैच छोड़ दिया और इस ओवर में 10 रन आ गए, जिसके बाद अगला ओवर कराने के लिए आदिल रशीद आते हैं और उनका स्वागत चौके के साथ रोहित शर्मा ने कर दिया था और इसी के साथ ओवर में 7 रन बटोरे और पावर प्ले में भारतीय टीम ने 38 रन 1 विकेट खोकर बना दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।